वंस अगेन वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। ऊपर इंद्र देवता से प्रार्थना करें कि बारिश कम कम बरसाए। भैया ये भी मैं बैठा हुआ हूँ 6-7 मिनट से, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम का भी यही है क्या? हुआ टेलीग्राम भी ओपन नहीं हो रहा क्या? हेलो हेलो हेलो, एक कह रहा तो खेती कैसे होगी। अरे मैंने कहा कृपा बरसाए रखें, मैंने ये थोड़ी ना कहा बारिश ही ना होने दे, हमारी क्लास के समय थोड़ा सा कम रखें, ये है। ठीक है चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बताओ सब याद करके आए हो कल वाला? क्योंकि आज पहला काम आपका है, फिर थोड़ा सा मेरा है। सब याद है? क्योंकि मैं आपसे सुनूंगा, मेरा आज कोई रोल नहीं है, आप ही का रोल है। चलो तो पीडीएफ लगाता हूँ, ये कैसे घूम रहा है? नेट ऑन है ना भाई? सब सही चल रहा है? एक बार बताओ जरा, मेरे को तो डाउट लग रहा। सब ठीक है? आप तो हाय हेलो खेलते रहना, बताते रहना बीच बीच में, अगर ज्यादा देर तक शांत मत रहना, वरना ऐसा लगेगा नेट भाग गया। एक को आवाज नहीं आ रही है क्या? वीडियो नहीं आ रही क्या? सब ओके यार? एक दो के देखो, तुम्हारे यहाँ हो सकता है जैसे हमारे यहाँ था, तुम्हारे यहाँ नेट कम आ रहा हो। अब तो सही चल रहा है, अभी तो सही चल रहा है भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी नजर आ रही है। ठीक है, अब भाई तुम्हारे यहाँ पर्सनल होगा? ठीक है, एक मिनट को पीपीटी लगाता हूँ। लॉग्स ये वन बाय वन रिवाइज कर लो, तुम ही लोगों से पूछूंगा मैं, और बेइज्जती मत कराना, वही हैंड रेस करना जिसको आता हो। ठीक है, आज आप ही से बात होगी। चलो वन बाय वन, अमित को कॉल लग रही है, अमित ने कॉल अटेंड भी की है। हेलो सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून अमित। अमित सारी चीजें बच्चे कल की याद है जो कल पढ़ाई की थी? सर, चलो मुझे बताओ ये पिंक वाले का क्या एग्जांपल था? अरे पिंक वाला बताओ का नहीं, पिंक क्या, वाला ब्लू आवाज नहीं आ रही? वाला का याद है सर। ब्लू है पानी पानी। वाह, ब्लू पानी पानी याद है। चलो यस बाकी सर। लोगों की हेल्प लेते हैं भाई। बाकी लोग ये बताओ, ऊपर वाले में तो और बढ़िया गाना था यार तुम्हें, ब्लू ब्लू आंखें तो वो तो याद है, पानी गुलाबी आंखें याद नहीं है यार। गुलाबी आँख। हाँ याद आया। हाँ सर, और मेकअप के बाद होता है ना सर, गुलाबी आँख है, इससे हाँ पहले तो ऐसे ही रहता है ना। अच्छा तो इसका एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल कनेक्ट करके बताओ। तो अगर आंखें गुलाबी बोली है तो गुलाबी राइट माना जाएगा, गलत माना जाएगा कि आंखें गुलाबी होती हैं? गुलाबी है मतलब गुलाबी है, अगर बोला हाँ गया है कि है तो है। यस हाँ और ये वाला अगर कह रहा है कि ये गाना इसने गाया है तो मानना पड़ेगा, सर। उसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है चलो नहीं आगे सर। बढ़ते हैं। मुझे बताओ इस वाले में कितना हाँ, मालूम होता है? ऑल मालूम होता है, सब मालूम होता है, और उसकी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं। कुछ वेरी नहीं, गुड, ऑल मालूम होता है और सब सब मालूम मालूम होता है, होता है। पॉसिबिलिटी कुछ नहीं। उसके बाद अगला ये वाला, इसमें भी आता है और सम नॉट भी आता है, लेकिन इसकी नो पॉसिबिलिटी कुछ नहीं। भी आता है और सम नॉट भी आता है, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं। भाई सही बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी जीरो। नो भी आता है, सम भी आता है, पॉसिबिलिटी जीरो। इसमें आपने कहा ऑल भी आता है, सम भी आता है और पॉसिबिलिटी जीरो। जीरो। अंकिता आपकी बार और लिखा तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, पर्सनल क्लास नहीं चल रही है,
20 लोगों को और अपनी तरह डिमोटिवेट कर दोगी। अभी शांत तो रहो बच्चे, 4 दिन और है ना, डेली में आपसे क्वेश्चन करा लूंगा, सही रहेगा, बेटर रहेगा। सर। नहीं अंकित, तुमसे नहीं, उनसे कह रहा हूँ, हाँ अच्छा ठीक है सर। ठीक है? 4 दिन तुमसे क्वेश्चन करा देंगे। अभी क्यों शोर मचाए रखी हो क्लास में? अभी क्लास में एक तरीके से पूछ रहा है, बढ़िया माहौल सेट हो रखा है, तुम अपना नेगेटिविटी लेके आ गई। थोड़ी देर वेट करो, रुक जाओ, सही है? ठीक है, एक काम करेंगे, अभी आप परेशान मत हो, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपसे पूछ लेंगे, और नहीं होगा तो क्लियर कर लेंगे। सिंपल लगते हैं ना, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है यार, क्लियर है? अब अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, क्लियर है अंकिता? पहले बताओ, वरना क्लास फिर आप लिखती रहोगे तो मजा नहीं है, क्लास का माहौल खराब रहेगा। चलो धन्यवाद आपका, वापस आ जाओ। अंकित, अंकित नाम है ना आपका? अमित सर, अमित, अमित बताओ, सम वाले में बताओ, सम वाले सम में, वाले में उसकी बस सम होती है सम वाले और में सम होती नहीं है, होती। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी दो आता है, वेरी ऑल गुड, आता है और सम नॉट आता है। ऑल आता है और सम नॉट, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये चौथा वाला बताओ, मतलब ये वाले सम नॉट का, इसका सम नॉट होता है, इसका पॉसिबिलिटी होता है सम और नो। सम नॉट में सम नॉट होता है और पॉसिबिलिटी होता है दो, कौन कौन सी? सम और नो। सम वेरी गुड यार, तुम बहुत होशियार बच्चे निकले। अब पहले बाकी लोग बताओ कि सबको ही क्लियर है जो अमित ने बताया, सबको यहां तक क्लियर है, सारा का सारा सही बताया। अब देखो, अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम आगे जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्वेश्चन नहीं हो पाते, आओ आप ही से सॉल्व कराते हैं, दो चार क्वेश्चन स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों? स्टार्टिंग कराते हैं, रूल यही वाले रहेंगे जो इन्होंने बताए हैं, बस इसी को राइट करना। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अपने क्वेश्चन में सम लिखता हूँ, ऑल लिखता हूँ, फिर सम लिखता हूँ, फिर ऑल लिखता हूँ, फिर सम लिखता हूँ, फिर ऑल लिखता हूँ, और ऐसे ऐसे 2-3 हज़ार बार लिख देता हूँ। अगर कॉन्क्लूजन में ये आया है तो क्या करेंगे आप? पॉसिबिलिटी सीधा में कुछ नॉर्मल है नहीं करेंगे, क्या? राइट लगाएंगे, रॉन्ग? एक तो लगाना पड़ेगा, रॉन्ग लगाएंगे। लॉन्ग लगाएंगे। वेरी गुड, सिंपल। कॉन्क्लूजन में ये आया है, रॉन्ग करेंगे। रॉन्ग कर देंगे, सही, सिंपल है। अच्छा ऐसे लिखा है, सम ए आर बी, फिर लिखा है ऑल बी आर सी, फिर कह रहा है सम सी आर डी, फिर कह रहा है सम डी आर अमित। तो आप मेरे को ये बताओ अमित, इस यस ए के बारे में और अमित के बारे में क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन है? नहीं सर, कुछ नहीं पता। इसका मतलब अब वो कितना भी पूछे, वो ये वाला पूछे या ये वाला पूछ ले या शाम ये, पूछे या फिर शाम नॉट पूछे, किसी में कुछ नहीं करना है, तो हम क्या रॉन्ग करें? करना राइट रॉन्ग? है, रॉन्ग। रॉन्ग, वेरी गुड। अच्छा अब एक बार बताओ, जो चीज जैसे जो बारिश अभी हमारे यहाँ पड़ रही है, वो आधे घंटे तक पड़ेगी या 1 घंटे तक या तुरंत बंद हो जाएगी? हम लोगों को कोई आइडिया है? नहीं सर, और जिस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, और मैं आपसे कहता हूँ कि यार मेरे को लग रहा है कि ये बारिश ना बहुत तेज चल रही है, 1 घंटे तक हो सकता है पड़े, है इसका पॉसिबिलिटी होगा। ना, पॉसिबल है? यस सर, मेरे घर में एक और बंदा है, उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो लग रहा है 2 घंटे तक पड़ेगी यस सर, पॉसिबिलिटी। ये। एक ने कहा कि नहीं, मेरे को तो लगता है 15 सेकंड बाद ही बंद हो जाएगी, 15 सेकंड बाद ही बंद हो जाएगी ये। ये भी पॉसिबल है। एक ने कहा नहीं, अब जिंदगी भर तक पड़ती रहेगी, हंसना नहीं है, हाँ यही फंसोगे फिर, यही नंबर कटेंगे। एक ने कहा ये कि भी नहीं, पॉसिबल है जिंदगी सर, भर तक पड़ती रहेगी, आप बताओ। ये भी पॉसिबल है। सही हाँ, हमें कितना भी इरिलेवेंट लगे, जितने लोग यहाँ सुन रहे हो, हमें कितना भी इरिलेवेंट लगे, जो चीज अनसर्टेन है उसकी पॉसिबिलिटी राइट। हाँ सर, सभी को क्लियर हुआ? बाकी सब नहीं, आपको तो क्लियर हो ही रहा है, बाकी सब बताओ। अब यहां पर आते हैं अमित वापस इस क्वेश्चन पे, आपने कहा कि ए से अमित के बारे में कुछ नहीं कुछ मालूम, नहीं तो पता। सब गलत हो गया है ना? यस जब सब गलत हो गया, जब कुछ नहीं मालूम, तो क्या यही वाले रूल
पॉसिबिलिटी में अमित और ए में भी काम आएंगे, यस और नो? सर। तो इसका मतलब अमित से पॉसिबिलिटी में ए के बारे में कुछ भी पूछे, ये चारों क्वेश्चन में से कोई भी आए, क्या होगा आंसर? रॉन्ग होगा, है? नहीं सर, राइट होगा इसका मतलब पॉसिबिलिटी में। हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी में राइट। क्लियर है दोस्तों सभी के लिए? जब सर, कुछ नहीं पता तो सारी पॉसिबिलिटी राइट, जब कुछ नहीं मालूम तो सारी पॉसिबिलिटी राइट, जितनी भी है। टाइम मैनेजमेंट वीडियो यार पीयूष बन चुकी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, वो नेट वाला चक्कर फंस रहा है। टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो में आपका ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं काम करता हूं ठीक है पीयूष, चलो, लेकिन वो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए कल रात वाली क्लास भी नहीं हो पाई थी मेरी 10 बजे वाली, उसको हटाना पड़ा। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ सभी को ये क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ अमित, इस बी से इस सी के बारे में कितना मालूम है? सब पता है और सम भी पता है। सब पता है और सम भी पता है, तो बी से सी के बारे में पॉसिबिलिटी इन चारों में से कोई राइट लगाओगे? नहीं सर। वेरी गुड, शाबाश, सभी को क्लियर है। अब आप मेरे को ये बताओ, जिस जिस तरीके से अमित आंसर कर रहा है, अगर इतना कॉन्फिडेंस आप में है, बाकी सबकी बात कर रहा हूं, तो शायद हो जाएगा। अब हो सकता है थोड़ा लेवल में बढ़ाऊंगा तो एक आधा क्वेश्चन आपका भी गलत हो, लेकिन आपको अभी तो पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई कि मैं तो कर लूंगा यार आराम से, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, अभी और चलते हैं आगे, बाकी लोग भी यहीं से करते हैं, इनको समझाऊंगा तो आपको भी आ जाएगा, इस बार इनको भी आ जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन करते करते चलते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं आज पूरे दिन, ठीक है? बस जब तक यस सही पढ़ते रहोगे तभी पढ़ाएंगे, याद रखना, तो इसलिए सही से पढ़ते हैं ना। यस चलिए अब मेरे को एक बात बताओ, इस सी से डी और डी से अमित, सी से अमित क्या मालूम है? तो सी समित कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तो ये डेफिनेट वाले चारों गलत। और पॉसिबिलिटी वाले चारों, पॉसिबिलिटी वाले चारों, गलत पॉसिबिलिटी वाला चारों सही, हाँ डेफिनेट में चारों गलत, पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी में चारों। चार सही। सी अब आप मेरे को ये बताओ, इस सी से डी के बारे में कितना मालूम है? से डी के बारे में सम पता है। यस सम पता है तो सम राइट कर देंगे, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी लगाएंगे? पॉसिबिलिटी सम नॉट और नो। देख लो एक बार, सोच लो, सम नॉट तो ठीक है। सम नॉट और ऑल सर, सॉरी हाँ सर, देखो यहाँ यही मामला फंसेगा बस, सम नॉट और ऑल। चलो गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा वो मेरे को, अच्छा अगर आप बोल के बता पाओगे इसको कि सम सी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी राइट होगा, अगली बार से आपको ये बताना है ठीक है, जिससे बाकी लोगों को याद हो जाए ठीक है, क्या यस सर। बोल के बताओगे कि सर सी से डी में कौन सी पॉसिबिलिटी? सम सी आर नॉट डी इज ए सम सी आर पॉसिबिलिटी, नॉट डी। इज ए पॉसिबिलिटी लगाओ, पूरा करो। यस सर। सम सी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, और दूसरा वाला बताओ, ऑल सी आर डी देखो इज ए पूरा पॉसिबिलिटी, बोलो, हाँ पूरा बोलना है, ऑल सी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, इससे याद हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऑल सी आर डी लिखा होगा तो डेफिनेट होगा वो, है यस ना? सर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कनेक्ट भी हो रहा है ना। अच्छा आप मुझे एक चीज मुझे बताओ, जो मुझे अब ऐड करानी है, जो आप लोगों ने सीखा था वो ये सीखा था, चलो भी और ही आगे बढ़ते हैं, लिखा है नो पी इज क्यू, नो क्यू इज डब्ल्यू, अब आप ये ऑल टी आर डब्ल्यू, थोड़ा ध्यान रखना ठीक है, थोड़ा फंसाने की कोशिश की गई है, टी किसके अंदर है डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू और डब्ल्यू कहाँ नहीं जाएगा, क्यू के पास नहीं। तो इसका मतलब एक बार बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है टी और डब्ल्यू में? टी और डब्ल्यू में टी बड़ा है। नहीं, याद रखिएगा सभी लोग, जिसका नाम बाद में होगा वो बड़ा होगा, याद रहेगा यस सर। सही है, जिसका नाम बाद में होगा वो बड़ा होगा, तो टी और डब्ल्यू में कौन बड़ा है? डब्ल्यू बड़ा है। ए और बी में कौन बड़ा है? डी बड़ा है। कैट और डॉग में कौन बड़ा है?
डॉग बड़ा है। हमेशा याद रहेगा सभी को भाई, यस सर, जिसका नाम बाद में होगा वो बड़ा होगा ऑल वाले केस में। यस सर। अब आप मेरे को ये बताओ, इस घर में दो व्यक्ति हैं जिसमें बड़ा वाला है W, उस डब्लू, बड़े वाले W ने कह दिया कि वो Q के घर नहीं जाएगा, तो मुझे हाँ खुद बताओ जब W ने ही कह दिया यहाँ नहीं जाएगा तो क्या तो टीवी T, नहीं जाएगा। हाँ सही है कि W ने यस सर, नेगेटिव बोल दिया तो T का भी नेगेटिव, अलग से नहीं है, T को दोबारा से नहीं लड़ना है। तो आप मुझे बताओ W से भी वही रिलेशन है ना Q का जो T से है। अच्छा हाँ अब सर, अमित पायल कह रही है उसको नहीं आ रहा है, अब क्या एडवाइस करोगे आप कि आपने कौन सा टूथपेस्ट किया था आज कि उसकी वजह से आ गया, या कौन सा नमक खाया था जिसकी वजह से आ गया, क्या रीजन हो सकता है, क्लास को रिवीजन, क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्लास को रिवीजन करना पड़ेगा जो अच्छा आप फिर बताए और हैं। दो क्लास इंजेक्शन इंजेक्शन आता हो तो लगवा लियो क्या बता तुमने कल, नहीं सर, कोविड का बूस्टर डोज अभी तक चालू नहीं हुआ है, नहीं तो अभी ले लेते। तो क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका है मतलब रिवाइज वाला ही है और तो कोई नहीं है ना। नहीं सर, चलो भाई देखो पायल, मैंने इनसे पूछने की कोशिश की शायद कुछ हो भाई, एक ही तरीका है क्लास करने का, रिकॉर्डेड देखने का, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नहीं आने वाला ऐसे पायल, ऐसे मान लो पायल और पायल के पापा में, पापा की बात मानी जाएगी, पापा ने कह दिया पायल पड़ोस के अंकल वाले घर में 101 नंबर का घर है इनका, नहीं 100 नंबर लिख देते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, अंकल ने कह दिया मेरी लड़ाई हो गई है मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो पायल भी नहीं जाएगी, ऐसे है बस क्लियर है। जब अंकल नहीं जाएंगे तो पायल भी नहीं जाएगी क्योंकि अंकल की लड़ाई हो गई है, ठीक है अंकल की लड़ाई हो गई तो पायल भी नहीं जाएगी। चलो एक काम करते हैं अमित, यस सर, अभी कॉल को हटाते हैं, किसी और को देखते हैं ना। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट बेटा, वेरी गुड, कट कर दीजिए। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, वॉइस सही आ रही है या रिफ्रेश करूँ, वॉइस ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ओके है ना। आप देखो मेरा सबसे यही कहना है, ये बहुत आसान टास्क है, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, इसकी तो कोई लड़ाई नहीं है, ये तो सबसे आसान है। इनको मैंने कॉल लगाई थी, ये भी तो बोल सकते हैं नहीं आ रहा इन्होंने तो, और उसके आगे का भी एड ऑन ये क्यों कर पाए, क्योंकि इनको पहले वाला समझ में आ रहा था। क्या बात समझ में आ रही है, कि जिसको कॉन्सेप्ट कल वाले याद होंगे वो तो डील कर पाएगा, जिसको कल वाला ही नहीं याद वो कहां से डील कर पाएगा, वो तो सिर्फ यही लिख पाएगा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सिंपल है। आप अपनी प्रॉब्लम के स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। इतना अच्छा समझ आ रहा है सर, आकांक्षा देखो ऐसे बोल रही, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर सब दिमाग में फिट हो रहा है, बाद की तो बाद में देखेंगे। देखो जो लोग नेगेटिव है उनको तो छोड़ दो, वो तो यही बोलेंगे 100 बार कर लिया आएगा भी नहीं, अगले जन्म में आएगा उनके लिए। तो ये बताओ मैं यहाँ पोल कर रहा हूं, कितने लोग पॉजिटिव है यहां तक, आगे का आगे देखेंगे ना यार, जब अभी तक आ गया तो आगे कैसे नहीं आएगा, जब अभी आ गया तो आगे क्यों नहीं आएगा। 98, चलो अब एक एक बार लाइक पे टिक करना है, किस लिए रीजन सुन लो, जिससे ये समझ आ जाए क्लास में बच्चे कितने हैं। दो दो बार तीन तीन बार मत करना, एक बार ये क्लिक करो, एक एक बार ही करना है ज्यादा नहीं, कि क्लास में प्रेजेंट कितने हैं आज। चलो 500 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप 500 का 2% कितना होता है जरा बताना, 2%, 500 का 2% कितना होता है, 10। वैसे तो मुझे आता था, फिर भी मैं पूछ रहा था कि एक आता तो गलत लिख दे, ये मैं रिटर्न में रिकॉर्ड लिख के दे सकता हूं। आज तक आपने जिस भी कॉलेज स्कूल या ट्यूशन में पढ़ा होगा, टीचर ने 500 लोग बैठे और पूछा हो कितने लोगों को आ गया, तो कभी 490 ने नहीं कहा होगा कि हमें आ रहा है, वरना कभी ट्यूशन नहीं लगाना पड़ता। तो अगर आप लास्ट 10 में हैं तो आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, कॉम्पिटिशन है ये,
490 को आ रहा है और आप लास्ट 10 में, तो सोचना चाहिए आपको, आपके स्कूल कॉलेज कहीं पर भी आपने 490 को नहीं आया होगा कभी लाइव क्लास में। ठीक है भाई, चलो ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, अगर भगवान भी पोल कराए ना तो उनका भी 490 ही कहेंगे, हम आपसे खुश है, 10 कहेंगे नहीं, आपके चक्कर में जीवन नरक बना हुआ है हमारा। ठीक है, अगर भगवान भी पोल कराए ना कि सब सही चल रहा है, तो 10 उनसे भी कह देंगे, नहीं तुम्हारे चक्कर में परेशानी है, मैं तो फैक्ट है ये। अब सुनो, तुम लोगों को इसको गाइड करना है जो ऐसे पूछ रहे हैं कि प्लीज मुझे गाइड कर दो, मेरा आज फर्स्ट डे है। ये उन्हीं में से हैं कि भगवान आज तुम पहली बार ही मंदिर आए हैं, आप हमें गाइड कर दीजिए, कौन से वाले से पहले मांगना है, इधर से आए इधर से आए। अरे गाइडेंस वैसी गाइडेंस रहती है जैसे बचपन से रहती है, पहली क्लास को फॉलो करो सब सही चलेगा, फर्स्ट क्लास देखो उसमें गाइडेंस होती है, पांचवी में नहीं। ठीक है, अरे यार न्यू स्टूडेंट फर्स्ट क्लास देखो, और अंकिता तुम कल आना, तुम्हारे चक्कर में 5-6 और नेगेटिव होंगे, अब तुम ब्लॉक ही तुम्हारा ऑप्शन है, कल आना बा, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता है, 5 बार तुमसे बोला गया, जाओ कल आना। एक्चुअल में मैं सही उसी को करा सकता हूं जो सही समझने की मतलब फिराक में हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं करना पड़ा मेरे को, 5 बार मैंने कह दिया, उसको मजा आ रही है, हो सकता है किसी ने भेजा भी हो कि जाके ऐसे लिखते रहना अच्छा लगेगा, बाकी क्लास का टाइम खराब होगा, यही ऑप्शन था। मैंने 4 बार वार्निंग दी ना उससे पहले, 4 बार दी थी ना वार्निंग, फिर भी वही हिसाब किताब है, अपनी जोन में रहना है आपको। बच्चे इसकी प्रीवियस क्लास, जैसे आप इस क्लास में आए थे ना, जैसे इसमें क्लास नंबर 4 होगी, तो इससे जस्ट पहले जहां पे ये टैब था उससे पहले 3 होगी, उससे पहले 2 होगी, उससे पहले 1 होगी, तो फर्स्ट वाली आपको देखनी है, वेडनेसडे को हुई थी, वेडनेसडे को हुई थी ना, वेडनेसडे को डेट थी शायद 29। ठीक है चलो, जितने भी बच्चे हैं वो पुरानी वाली देखो, क्योंकि आज तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना टाइम ही खराब होगा आपका भी। ठीक है चलो आ जाओ, अब और किसे पूछते हैं और क्वेश्चन को आगे लेवल लेकर चलते हैं। हमने पढ़ा था दोस्तों ये वाला सम, अब एक चीज और याद रखनी है सम के साथ, स्टेटमेंट में ऐसे लिखा होता है सम कैट आर डॉग, अब तुम दिल पे मत लेना कि कैट म्याओ म्याओ वाली है और डॉग भौं भौं वाला है, वरना परेशान रहोगे, ये एट्रीब्यूट्स है जस्ट। ठीक है, वो कैट डॉग लिखे, प्लस माइनस लिखे, या 1 2 लिखे, सही है, या ए बी लिखे, उसे लिखने दो, तुम्हारे लिए सिंपल, तुम्हें क्या नजर आना चाहिए, इंसान कि सम लिखा है बस, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, आपको वही वाला रूल लगाना है जो सम का है, कि सम वाले में सम राइट, दो पॉसिबिलिटी ऑल और सम नॉट, बाकी कुछ भी हो आप इसी पर कायम रहो, सम वाले में सम राइट, बाकी कुछ भी हो, पॉसिबिलिटी दो ऑल और सम नॉट। अच्छा मुझे बताओ कि कैट से डॉग और डॉग से कैट, क्या सेम ही आंसर रहेगा या कुछ अलग पलग रहेगा? सेम ही रहेगा, तो हम अगर डॉग से पूछें कि डॉग से कैट के कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो वही वाली जो कैट से डॉग की है। ठीक, अब आपके डाउट को दूर करने के लिए ऐसे कोई देखो ये नहीं चल रहा है, कोई यहां फेवरिज्म नहीं है कि मुझसे ही सॉल्व कराना, मैं ऐसे काम नहीं करता।
एक खुश हो जाए और 20 गालियां दे, जो पहले दिखाई देता है उसी का, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, क्लियर है? यहाँ कोई वो नहीं चल रहा कि मेरे से पहले और उससे पहले। देखो रिंकू भी आके मुझसे भी करा लो, उसने कौन सा पाप किया बेचारे ने। हाँ कभी कभी आलतू फालतू कमेंट जरूर करता है, लेकिन पाप थोड़ी ना किया है, क्लियर है? चले आगे। चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दूसरा चलते हैं। आगे लिखा है सम डॉग आर एलिफेंट। आप सिंपल है, जो कॉमन है उसे हटा दो, कॉमन वाले को हटा दिया, जो बच गया है उन दोनों के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं। आप 2 बार आए, 3 बार आए, कितनी बार आए, जब कुछ नहीं पता तो चारों गलत। और कुछ नहीं पता तो पॉसिबिलिटी में चारों राइट। क्या क्लियर है? सिंपल है, बहुत सिंपल। कैट से डॉग, डॉग से एलिफेंट है, डॉग डॉग कैंसिल, कैट और एलिफेंट का कुछ नहीं मालूम, सारी पॉसिबिलिटी राइट, सारा डेफिनेट रॉन्ग। डॉग से एलिफेंट का एक ही बार याद कर लो कि सम वाले में सम आंसर, दो पॉसिबिलिटी, ऑल और सम नॉट। चाहे वो कैट से डॉग हो, डॉग से कैट हो, डॉग से एलिफेंट हो, एलिफेंट से डॉग हो, रट्टा ही नहीं है, क्लियर है? हमेशा के लिए ही डॉग को कट क्यों किया? जिसे काट ना ले। बाकी को पता है ना क्यों किया? अरे कॉमन था यार, डॉग डॉग कॉमन तो दूर हो गए ना, कैट और एलिफेंट। क्लियर है? सही है, डॉग डॉग कॉमन था, सही है। चलो फिर से देखो, अगली बार फिर यार डॉग रखेंगे, ये काम आएगा हमारे। सम डॉग आर टाइगर, सम टाइगर आर बैट। बैट भी मानना पड़ेगा, कॉमन क्या है? टाइगर, तो टाइगर को हटा दो, तो ये दोनों दूर दूर हो गए ना, डॉग और बैट। डॉग और बैट के बारे में डेफिनेट में पूछेगा तो चारों गलत, चारों याद है ना, ऑल नो सम नॉट और सम, और पॉसिबिलिटी में पूछेगा तो चारों राइट, बस सिंपल रखो रूल, सही। अगले बार गए, अगला क्वेश्चन आया, सम पी आर क्यू और सम पी आर जेड, इस बार कौन कौन दूर है, कॉमन कौन सा है? इस बार पी हटेगा, क्यू और जेड के बारे में डेफिनेट में कैंसिल, पॉसिबिलिटी में राइट, सिंपल है, चार राइट चार रॉन्ग, सिंपल। और पी से क्यू का तो आपको मालूम ही है, क्यू से पी का मालूम ही है, पी से जेड का मालूम ही है, जेड से पी का मालूम ही है, मजा नहीं लाइफ, कितना आसान है। और आ गया, अब देखो, अब थोड़ा सा और समझना है, थोड़ा सा याद रखना है, अब मैं थोड़ा माहौल बनाते बनाते जो मेरे को सिखाना है वो सिखा दूंगा, बस आप सीखते रहो, मैं अपने आप सिखा दूंगा, मेरे को पता है किस समय सिखाना है। सामने वाले को ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये चीज सिखानी कब है, तो अभी पूरा माहौल सेट है, अब मुझे 2 बाउंसर मारने हैं, वो समय आने वाला है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अटेंटिव रहना, ठीक है? थोड़ा अटेंटिव रहे, क्योंकि अब जो मेरे को आज सिखाना है वो पूरी भूमिका बन रही है, माहौल पूरा सेट है, वो माहौल को खराब करने वाले एक दो बीच में आते हैं, वो मैंने हटा दिए, सही है? और कोई आएगा तो उसको भी हटा देंगे। चलो आप ध्यान रखें, आप ध्यान से देखिएगा, हम यहां पहुंच गए। अब जैसे जैसे आप पढ़ रहे थे कि आता है नो इज बी, इसमें भी यही है, नो बी इज सी, नो सी इज डी। ए ने कहा हम तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे, तो आज सामने वाला भी वही तो करता है जो हम करते हैं,
उसने कहा हमें कौन सा शौक है, बताओ, हम भी नहीं आएंगे। क्लियर है भाई, सिंपल है, लाइफ वाले फंडे है। इसने कहा हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, तो ये भी कहेगा हमें कौन सा शौक है, हम भी नहीं आएंगे। सेम ही कह रहे, हम तुम्हारे नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, मत आओ। वैसे ही अपनी जिंदगी में खुद ही आदमी परेशान है। क्लियर है, कौन कौन सा राइट होगा? जब भी ऐसा आता है क्या क्या राइट होता है, डेफिनेट बताओ। वेरी गुड, नो और सम नॉट, नो और सम नॉट। अब ये चीज याद कर लो, देखो पास और फेल में थोड़ा सा ही फर्क है, मैं थोड़ा बता देता हूं बस। ये फेल होने वाले कौन लोग रहेंगे, जो नो लिख रहे होंगे। पास होने वाले कौन से रहेंगे, जो नो और सम नॉट लिख रहे होंगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका प्रॉपर जवाब दें, नो वाले में नो नहीं, नो और सम नॉट। हैबिट बनाए सही करने की, तभी तो आगे जाके कर पाओगे, वरना फिर कहोगे 4 दिन बाद कहोगे क्या कि सर सही नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि याद तो नो है और टाइम कम है, वहां 15-20 सेकंड में सही करना है, कहां से सही निकलेगा जब याद ही नहीं है। तो चलो आओ, मुझे ये बताओ, ए से बी के बारे में नो है और बी से ए के बारे में भी नो है, और अंजलि कह रही है पॉसिबिलिटी सारी राइट है, आकांक्षा भी कह रही है पॉसिबिलिटी में सारी राइट है, क्या ए से बी की सारी पॉसिबिलिटी राइट होंगी? कितनी पॉसिबिलिटी लिखकर दिखाना, 1, 2, 3, 4 या 0, कितनी पॉसिबिलिटी? चलो देखो, अब यहां आपको यही ध्यान देना है जो सबसे पहले अमित आपको सिखा रहा था, मैंने तो कल ही सिखा दिया था, आज अमित ने सिखाया था भाई। जब पहले से ही नो है तो इधर से इधर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इधर से इधर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इधर से इधर 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 नहीं। अगर पूछते हैं ए से सी या सी से ए, ए से डी या डी से ए, बी से डी या डी से बी, ये होते हैं कॉन्सेप्ट। इन सब में डेफिनेट आएगा तो हर एक के चारों गलत, ये है कॉन्सेप्ट, और हर एक की पॉसिबिलिटी राइट, ये है कॉन्सेप्ट, जो भीड़ में से नहीं सैलाब में से बचा देंगे। जब सैलाब आएगा ना लॉक्स का तब भी बचा देंगे, ये है कॉन्सेप्ट। बी से डी, डी से बी, ए से सी, सी से ए से डी, डी से, सब गलत, पॉसिबिलिटी सारी राइट। डेफिनेटली रॉन्ग, पॉसिबिलिटी राइट, सही है। हाँ, कुछ नहीं पता तो सारी पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है, आगे बढ़े। पॉसिबिलिटी कैसे राइट सोनम? प्लीज टेल मी योर बैच विच आई क्लियर माई ऑल बेसिक। ये बेसिक से ही चल रहा है, फाउंडेशन बैच ही चल रहा है, आप डे वन से करते हुए आओगे तो वही, वरना आपके पास एक और ऑप्शन है, पुराने वाले बैचेस देख लो रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव देखना चाहें तो ये लाइव चल रहा है, लेकिन आपको डे वन से आना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक ही चल रहा है, इससे ज्यादा बेसिक तो है ही नहीं कहीं, ठीक है। सोनम को पॉसिबिलिटी वाला समझ में नहीं आया, चलो सोनम ऐसे समझ लो, सोनम ने पूनम से कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तो पूनम ने कहा मेरे को कौन सा शौक है, मैं भी नहीं आऊंगी। फिर इस पूनम ने अनामिका से कहा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तो अनामिका ने कहा मैं भी नहीं आऊंगी, तो सोनम का अनामिका से क्या लेना देना है? तो जवाब है कुछ लेना देना नहीं है, तो सारी बातें गलत हो गई, ठीक है। आवाया आपको?
लेकिन पॉसिबिलिटी में सारी याद राइट हो गई जी सर, अभी तो लिखा भी नहीं है, पहली आ गया। मुझे लग रहा है, पता है मुझे कुछ लोगों की हरकत देख के लगता है कि मेरे को नाम ले लेके पढ़ाना चाहिए। अच्छा तुम भी क्लास में हो, लाओ तुम्हारा नाम ले लेता हूँ। उन्हें बड़ी जल्दी आता है, उनका नाम ले तो एकदम आता है, लिखा भी नहीं मैंने तब भी आ गया। तुम लोगों को नाम ले लेके पढ़ाऊं? आई हैव ए डाउट, हर क्वेश्चन में एक कनेक्टिंग पॉइंट देगा, डाउट क्लियर करते हैं। सोनम पूनम और आपका नाम अंकित है या अमित है या पुनित है? अगर कनेक्टिंग देगा ही नहीं तो हमारा मजे आ गए। इसका इससे पूछे, इसका इससे पूछे, इसका इससे पूछे, इसका इससे पूछे, डेफिनेट में रॉन्ग, पॉसिबिलिटी में राइट। हम क्यों टेंशन लें, हमारे लिए तो इजी हो गया, उसकी मजबूरी है कनेक्टिंग देना, वरना वही पागल है जो बना रहा क्वेश्चन, फिर कुछ फायदा नहीं हुआ देने का उसके। हमारे लिए तो आसान हो गया, कनेक्टिंग ही नहीं है तो हम तो सब में पॉसिबिलिटी राइट कर देंगे, हमारा क्या है? क्लियर है? अगर वो कनेक्टिंग नहीं देता है तो हमारी मौज आ गई, डेफिनेट रॉन्ग, पॉसिबिलिटी राइट। आगे बढ़े, चल आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब तीसरे पर चलते हैं, जो सिखाने वाला पॉइंट था वो आ जाओ। ऑल यूपी इन इंडिया, नहीं ऐसे नहीं करते, ऑल ए आर बी समझते। हमेशा ये याद रखिएगा, अभी हमने सीखा था उसमें एक करेक्शन है, एड ऑन है। ऐसा होता ना, हमारे बहुत सारे रूल बन गए हैं तो उसमें संशोधन करना है, मतलब उसको अपडेट करना है। जो आपको याद था वो सही है, उसमें अपडेशन क्या है? ऑल ए आर बी लिखा है तो ऑल किसके बारे में मालूम है? जवाब है ए के बारे में। तो ए के बारे में तो वही रहेगा जो अभी आपको याद था। क्या सर? ऑल भी राइट और सम भी राइट, और सर पॉसिबिलिटी जीरो, यही था ना? अभी भी यही है, पहले बताओ यही था ना? कुछ चेंज तो नहीं है? ऑल ए आर बी, ऑल पता है तो दो आंसर, ऑल और सम, पॉसिबिलिटी जीरो, यही है, यही रखते हैं, यही है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं, समझते रहे ना। ये ऑल कैट आर डॉग बोल रहा है, ऑल किसके बारे में? कैट के बारे में बताए तो सेम, ऑल और सम, पॉसिबिलिटी जीरो। अब आप कह रहे यार ये क्या चक्कर है, बार बार कह रहे ऑल कैट बोल रहा है, ऑल ए बोल रहा है, तो बी का क्या रोल है ना? अब बी के बारे में समझना है हमें। आपने कहा कि ऐसे, आपने बोला जैसे कभी कभी जब आपने ग्रेजुएशन करी होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन करी होगी या कहीं पर भी आप पढ़ रहे थे तो कभी, या कहीं पर आप रेंट पे रहते हैं तो आपने कहा कि हम रेंट पर रहते हैं सर, एक घर में। सर या हम मान लेते हैं कि ये घर है, गुप्ता जी का घर है। आपने कहा कि सर हम गुप्ता जी के घर में रेंट पे रहते हैं, सही है? तो आपका फ्रिज, एसी, टीवी, कपड़े और आप खुद गुप्ता जी के घर में रहते हो, गुप्ता जी के घर में ही है ना? हाँ। आपका ये सोफा भी वही है ना, घर में ही? हाँ। मतलब आपका सारा सामान गुप्ता जी के घर में है? हाँ। आपका सोफा भी गुप्ता जी के घर में है? हाँ। लेकिन गुप्ता जी से आपके बारे में अगर पूछें तो गुप्ता जी के कितने कितने एरिया में आप रहते हैं, गुप्ता जी ने कितना घर आपको किराए पे दिया है? थोड़ा सा बाहर से अंदर वाले के लिए सम का रिलेशन, क्या समझ में आ रहा है? उन्होंने अपने पूरे के पूरे एरिया का कितना हिस्सा आपको दिया है? थोड़ा सा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सभी को हुआ क्लियर?
अच्छा अब थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना। देखो आप एक पॉइंट नोट करना, जब हम देखो मैं आपको बताता हूं हमें क्या नजर आता है। एक नॉर्मल इंसान को नजर यही आता है कि, वो मैं बताता हूं जो एक नॉर्मल इंसान को नजर आता है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन में होते हैं तो हमें क्या नजर आना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को नजर आता है कि हमने रूम ले रखा है गुप्ता जी के घर में, तो गुप्ता जी ने हमने हमें कितना घर घर किराए पे दिया है, थोड़ा सा। तो एक नॉर्मल इंसान को नजर आता है कि ये वाला तो दिया ही नहीं है, तो वो इस वाले को भी राइट कर देगा। जबकि हम यहां पर केवल वो ही राइट करते हैं जो मुंह से बोल दे, वो बोला तो है नहीं। तो इतना तो दे दिया है, ये वाला एरिया तो दे दिया, लेकिन इस वाले एरिया के बारे में पता ही नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे, दिया है कि नहीं दिया है, देंगे तो कब देंगे, नहीं देंगे तो कब नहीं देंगे, वो क्या है पॉसिबल। ये वाला एरिया गुप्ता जी का क्या है पॉसिबल। क्लियर है क्या? छोटे वाले के बारे में ऑल पता था क्योंकि लिखा था ऑल, बड़े वाले के बारे में सम पता है वो पॉसिबल है। और सम वाले के रूल याद करके मुझे बताओ जो अमित ने बताए थे, रूल वही है, चेंज ही नहीं होते। रूल बताओ सम वाले के क्या कहते थे। सम वाले में सम राइट और दो पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी, ऑल और सम नॉट। वेरी गुड, सम वाले में सम राइट, दो पॉसिबिलिटी, ऑल और सम नॉट। और दिमाग में फिट कराता हूं, हमेशा के लिए याद कर लो, हमेशा के लिए। देखो ऑल ए आर बी, तो इसके बारे में तो कलेश ही खत्म है, हमेशा के लिए याद कर लो बड़े से छोटा कितना पता है, जो हमेशा सम में पता होता है। ठीक है, तो सम वाला ही रूल लगाओगे, सम बी आर ए और दो पॉसिबिलिटी, ऑल बी कैन बी ए, सम बी आर नॉट एज ए पॉसिबिलिटी। कैट से डॉग, कैट के बारे में कितना पता है, सारा, इसका तो कोई कलेश ही नहीं है, इधर से इधर थोड़ा सा। सम डॉग आर कैट, फिक्स, दो पॉसिबिलिटी, ऑल डॉग कैन बी कैट और सम डॉग आर नॉट कैट एज ए पॉसिबिलिटी। वही वाला रूल जो सम में लगाते हो, वही वाला कि सम रिलेशन पता है, इधर से इधर सम पता है, तो दो पॉसिबिलिटी, ऑल और सम नॉट, रट्टा लगाना ही नहीं है, समझना है। क्लियर है, यही दो पॉसिबिलिटी। कनेक्ट किया, वही वाला दोबारा से यहां काम आया, जो सम पड़ा था वही काम आया है, कोई नया नहीं है। अब मैं इसके लेवल को और पुश करता हूं। हाँ, रूम की सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग, वो तो कल से रॉन्ग हो रही है। कैट की कोई पॉसिबिलिटी काम करेगी? अब मोहिनी आ गई, ऑल डॉग कैट कैसे पॉसिबल है बेटा, वो डॉग को डॉग मत मानो, ऐसे पॉसिबल करा कर मुझे। ये मोहिनी है, कहीं किराए पे रहती है, ठीक है, ये गुप्ता जी का घर है। मोहिनी कितने एरिया में रहती है, सम में, और जब भी गुप्ता जी पैसे मांगने आते हैं कहती है कल आना, कल देंगे। फिर वो कल आते कहते नहीं नहीं परसों आना, अभी दिक्कत हो रही है। तो क्या संभावना है कि ये वाला एरिया गुप्ता जी इसको कभी ना दे। भाई ये तो ले ही रखा है, मोहिनी ने कहा कि गुप्ता जी एक काम करो, मेरे को मेरे दोस्त आ रहे हैं कुछ, ये वाला एरिया मैं यूज कर सकती हूँ, तो क्या कहेंगे, नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, पॉसिबल है कि ना दें। और अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, टाइम पे आप रेंट देती थी, तो आपने एक दिन फोन किया उनको कि भाई मेरे यहाँ दोस्त आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ ये वाला एरिया यूज कर लें, घर से मेहमान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा आप ही का है, यूज कर लो, तो पॉसिबल है कि ये वाला एरिया भी आपको दे दें वो यूज करने के लिए। हाँ, तो गुप्ता जी का कितना एरिया आपको मिल गया, सारा आया। एग्जाम्पल बहुत है, समझने वाला चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इतने थक जाओगे, दिमाग में फिट करा दूंगा, बस आप समझने के लिए बैठे हो। तो अब फिर से अब आपको और देखो, और ऑल प्लस आर माइनस, तो प्लस के बारे में तो बात ही खत्म, ऑल भी सही, सम भी सही, पॉसिबिलिटी में क्या, 1 2 3 4 0 लिख के बताओ, पॉसिबिलिटी में 0, शाबाश। देखो अनिल ने 2 लिखा है, अनिल 2 रैपट लगा लो बहुत तेजी से मेरी तरफ से अपने पास, और कोई पड़ोस में हो तो उनसे कह दो कि वो हेल्प कर दे तुम्हारी, इतनी मेहनत से पढ़ाया 2 बाय मिस्टेक, अच्छा वो मिस्टेक, अब आगे नहीं होगी।
इधर से इधर कितना मालूम है गुस्सा? अब ये बताओ, मैं चाहता सिंपल खत्म कर देता, कितने एफर्ट लगाए, पूरा माहौल बनाया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर अगली बार ये बताया, फिर चला, फिर इतनी देर बाद घुमा के लाया, फिर भी क्या सुनने में आया? नहीं, दो आंसर है, तो गुस्सा नहीं आएगी? हम भी इंसान है। चलो इधर से इधर बताओ, डेफिनेट में कितना, माइनस से प्लस डेफिनेट में कितना? वेरी गुड सम। और पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में ऑल और सम नॉट। और लेवल पुश करते हैं, जो बच्चा कहता हमसे तो नहीं होता है एग्जाम में, नहीं होता। ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज टाइगर, ऐसे ही तो आते हैं। कैट किसके घर में रहता है? डॉग के। डॉग किसके घर में रहता है? एलिफेंट के। घर का मालिक कौन हुआ ये बताओ आप पहले, तो बाकी को छोड़ो, घर का मालिक कौन है? एलिफेंट। तो कैट से एलिफेंट भी ऑल मालूम है, डॉग से एलिफेंट भी ऑल मालूम है, तो क्या कैट से एलिफेंट भी ऑल मालूम हुआ कि नहीं? भाई कैट डॉग के घर में रहता है, डॉग एलिफेंट के घर में रहता है, तो कैट भी तो एलिफेंट के घर में ही रह रहा है। क्लियर हो रहा है? कैट का, कैट किसके घर में रहता है? डॉग के। डॉग किसके घर में? एलिफेंट के। तो कैट एक्चुअल में रह किसके घर में रहा है? एलिफेंट के रह रहा है, हमें तो पता चल गया ना स्टेटमेंट से। क्लियर है? अगर एलिफेंट से पूछोगे डॉग के बारे में तो कितना आएगा? एलिफेंट से डॉग, एलिफेंट से डॉग कितना? वेरी गुड, शाबाश। लोग कहते समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। कैट डॉग से कैट कितना? डॉग से कैट, एलिफेंट से कैट, एक्चुअल में तो एलिफेंट के घर में ही रह रहा है वो, एलिफेंट से कैट। फिट हो रहा है दिमाग में? लोग पागल बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते, और कैसे होंगे, उसमें भी तो नाम ही लिखे होंगे। उनको यही बोलना, पढ़ोगे तो होंगे, रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है। अब मुझे बताओ, ऑल एलिफेंट आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी? ऑल एलिफेंट डॉग की पॉसिबिलिटी है? वेरी गुड, हीना, प्रिया, अंजलि, कल्पना, ऋषभ, परविंदर, ठीक है, बाकी सब। ऑल एलिफेंट आर कैट इज ए पॉसिबिलिटी? रट्टा मत लगाना, सीखना बस। एलिफेंट से कैट भी होगा अगर डॉग हो रहा है तो। हाँ अच्छा, एलिफेंट ऐसा हो सकता है कि सम एलिफेंट अपना एरिया बचा वाला डॉग को ना दे? सम एलिफेंट आर नॉट डॉग इज ए पॉसिबिलिटी? हाँ, सम एलिफेंट आर नॉट कैट इज ए पॉसिबिलिटी? यस। अब याद करो, एलिफेंट ने कहां जाने के लिए मना किया है, मेरे को जरा बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा। एलिफेंट ने कहां जाने के लिए मना किया है? टाइगर के यहां। तो डॉग को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, या डॉग का भी हो गया नेगेटिव? डॉग का भी नेगेटिव है ना ये, तो नहीं सर उसने तो कहा भी नहीं है, हम कैसे माने? क्लियर हो रहा है सभी को? तो एलिफेंट का नेगेटिव, तो डॉग का भी नेगेटिव, और किसका नेगेटिव? कैट का भी नेगेटिव, और टाइगर भी कहां का नहीं जाएगा? टाइगर किस किसके घर में नहीं आएगा? एलिफेंट के भी, डॉग के भी और कैट के भी। सही है? क्या क्लियर हो रहा है? अब आप मेरे को बताओ, जब एलिफेंट और टाइगर, टाइगर ने यहां जाने के लिए मना किया है, तो पॉसिबिलिटी काम करेगी क्या? नो वाले में पॉसिबिलिटी काम करती है? आप बताओ, नो वाले में पॉसिबिलिटी काम करती है? तुम नो मत लिखा करो, ये लिखा करो जीरो, वरना नो ही लगा दोगे, नो वाली पॉसिबिलिटी राइट कर दोगे, फिर कहोगे मेरा एक नंबर कट गया। तरीके बदलो अपने,
नो वाले में पॉसिबिलिटी काम करती है, नो, वहां नो लिखा होगा, यस कर दोगे, फिर कहोगे मेरा नंबर काट लिया, क्योंकि जो याद होगा वही तो करोगे वहां। नो वाले में जीरो, छोटे छोटे पॉइंट हैं काम के। पर अच्छा, टाइगर से डॉग की पॉसिबिलिटी, जीरो। अभी किसी ने पूछा था वहां क्या लिखा होगा, वहां बेटा ये लिखा होगा, सम टाइगर आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, जो बोल रहा हूं ना बस वो लिखा होगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ना वो ही लिखा होगा। वहां क्या लिखा होगा, वहां वो दे रहे, वो देगा सिलॉग्स में इनइक्वालिटी। हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि आज सिलॉग्स में पूछ रहा है इनइक्वालिटी को। नहीं यार, जीरो पॉसिबिलिटी, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट पॉइंट जो आपको सीखना है, फिर मैं देखता हूं कैसे गलत होता है। बस आप इतना याद करके आना जैसे आज आपका फ्लो है। आखिरी है, सम नॉट वाला याद करो। सम नॉट वाले में ना सबसे ज्यादा लोचा इसी में ही है, इसी को इतने बढ़िया तरीके से मैं एग्जांपल दे देता हूं, चार पांच उसको फिट कर लेना। देखो जो आपने कहा वो ही है, जैसे ऐसे लिखा है, सम पी आर नॉट क्यू, तो जो आपने सीखा था वही है। कितना नेगेटिव है सर, सम नॉट। पॉसिबिलिटी कितनी सर, दो दो, कौन सी, नो और सम की, बिल्कुल सही, यही है, बिल्कुल सही, यही है। लेकिन किसके रिगार्डिंग, पी के रिगार्डिंग, सही बात है, पी के बारे में तो नॉट है, सम पी आर नॉट क्यू। आगे गए हम, सम कैट आर नॉट डॉग, किसने नेगेटिव बोला है, इसने, तो इसके बारे में यही रूल लगेंगे जो थे, सम नॉट, पॉसिबिलिटी में दो, जो चल रहा था अभी, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर सर इसका क्या है, खुद बताओ। आपने फोन किया मेरे को, बोला सर मेरा जो भाई है ना इतना खराब है, कल से उसने कहा है कि वो कल से घर नहीं आएगा, ये कल से ट्यूशन नहीं आएगा, ये कल से आपकी क्लास में नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आ रहा। आपके भाई ने कहा वो कल से क्लास में नहीं आएगा, क्या हमने उसके बारे में कुछ कहा है, क्योंकि तो आज का नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने ये नहीं कहा कभी नहीं आएगा, उन्होंने कहा कल से नहीं आएगा, आज का तो बताया नहीं। तो मैंने एज ए टीचर अगर मैं बात करूं, जैसे आप अपने दोस्त से कहते हो ना कभी कभी, ठीक है मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, आज मैं तेरे को घर लेके नहीं आऊंगा, कहते हो ना कभी कभी, आज मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, कभी कभी नाराज हो जाते हो ना आप कि आज मैं इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन कल परसों तरसों की बात ही नहीं करी आपने, कहते ना ये, हाँ यही एग्जाम्पल लो आपके काम आएगा। आपकी जब अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, आपको जैसे दोस्त समझना है आप समझ सकते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे खड़ूस जैसे भी समझना है, आप कभी कभी अपने मन में मान लेते हो ना फोन करके, अच्छा मेरे को फोन नहीं किया है आज मैं भी फोन नहीं करूंगा, तो आपने डिसाइड किया है कि आज फोन नहीं करेंगे, सही है, आपने किसके बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने मन मन में सोच लिया, मन तो चंचल होता है, आपने अपने मन, अपने अपने मन में सोचा आज इसको कॉल नहीं करूंगा, कल के बारे में तो पॉसिबिलिटी है ना, अब कभी भी कॉल नहीं करोगे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब कभी नहीं करूंगा, तो यही दोनों पॉसिबिलिटी काम आती है कि क्या पता आप कल कॉल कर लो, या फिर आप इतना गुस्सा हो कि कभी कॉल ना करो, ये तो दोनों हो गई पॉसिबिलिटी। खुद बताओ जिसके बारे में आपने मन मन में सोचा है, क्या उसको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, जवाब है नहीं मालूम, जब नहीं मालूम तो डेफिनेट में सारा गलत और पॉसिबिलिटी में सारा सही, वाह खत्म। उधर से इधर कुछ नहीं मालूम तो सब गलत, पॉसिबिलिटी सारी राइट, खत्म हो गया। आपके दोस्त ने तो कुछ कहा ही नहीं ना, उसको क्या पता तुम मन मन में क्या लेके बैठे हो, उसको मालूम ही नहीं है आप क्या सोच रहे हो अपने मन में। रिवर्स वाला दोबारा से, ठीक है चलो।
अब देखो विवेक ने कैसा विवेक लगाया है भगवान जाने, तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? इसने ये लिखा है डेफिनेट रॉन्ग पॉसिबिलिटी में सब राइट। भैया मेरे ये कब बोला है? आप कल ढूंढ के लेके आना है तुम्हें कि पूरी क्लास में ऐसा स्टेटमेंट कहीं यूज हुआ है जो आपने बना डाला है। कब कहा ऐसा? एक भी बार बोला है? कहां से कहां ले गए तुम बात को? चलो सॉरी सर, तुमने तो सारे जज्बात ही बदल दिए मेरे पढ़ाने के, कि क्या पढ़ाया था और क्या पढ़ डाला। अब तुम कल आके कहोगे हमें नहीं आता, हमें तो होता ही नहीं है, तो सही कह रहे हो। हमारी कहां गलती है? जब तुम समझ ही कुछ और रहे हो, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, तुम कुछ और पढ़ रहे हो, तो कहां से आएगा समझ में? अब ये बताओ, आप तो ये कहेंगे ना, कहना ही पड़ेगा, नहीं नहीं आता, 3 बार पढ़ लिया नहीं। अब 30 बार पढ़ लो, 3 बारी में क्या है? 3 बारी है, 30 बार पढ़ लो। जब ऐसा ही पढ़ना है तो 30 बार भी पढ़ लो, तब भी नहीं आएगा। चलो ठीक है भाई, हर एक का लेवल अलग अलग होता है। अब मैंने पता नहीं क्या कब ऐसा बोला, भगवान जाने। फिर से याद रखिएगा, सम नॉट एक साइड से रिलेशन होता है, वन साइड आंसर। याद रखना, सम कैट आर नॉट डॉग। तो आप कैट हैं और ये आपका दोस्त डॉग है जिसको आपके बारे में कुछ नहीं मालूम। डॉग से कैट कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी चारों राइट, डेफिनेट में चारों रॉन्ग। क्लियर? आगे गए, सम पी आर नॉट क्यू था, पी से क्यू का तो यही है सम नॉट, क्यू से पी ये आप हो गए और ये आपका दोस्त। आपने इसके बारे में कहा, आपको तो मालूम है, लेकिन ये आपके बारे में क्या कह रहा है पता नहीं। पॉसिबिलिटी सारा राइट, सिंपल। कर लोगे? सही है, आपने नेगेटिव कहा है, आपको तो पता है, पर वो क्या कह रहा है नहीं मालूम, सब गलत। पॉसिबिलिटी राइट, आप सुनो एग्जाम्पल लो, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में फंसाता क्यों है? देखो अगर ये ऐसे, देखो ऑल वाली स्टेटमेंट ऐसे ही आएगी जैसे थी, सम वाली ऐसे ही आएगी जैसे थी, नो वाली भी ऐसे ही आएगी जैसे थी। ये आप है ना, बस जब आप आओगे तो ही टेंशन लेकर आओगे। सम नॉट मतलब आप, क्योंकि जब भी आओगे उल्टी सीधी बातें करोगे, है ना? तो ये क्यों ऐसा बोल रहा हूं, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पे नंबर कटते हैं। तो आज जब भी सम नॉट आएगा, क्या मानना है कि हम आ गए हैं, क्या लेकर आएंगे? प्रॉब्लम, यही संभालनी है बस आपको, ठीक है? अब मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, आपसे कोरिलेट कर रहा हूं, कि जब भी सम नॉट आएगा आप याद करोगे मैं आ गया, मतलब प्रॉब्लम आ गई, ठीक है भाई? तो आपका कंसंट्रेशन बाय डिफॉल्ट बढ़ गया। जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज थी, वो आपका कंसंट्रेशन में ऐसे बताऊंगा कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी ऑलरेडी, तो आपको याद रहेगा, अच्छा मैं आ गया, वो गड़बड़ करूंगा तो ध्यान रखना है मुझे। तरीके बहुत है सिखाने के, बस समझने के लिए बैठे हैं आप, ठीक है? चलो अब देखो, आप सुनो, तो ये जब आप आओगे और आप जब प्रॉब्लम लेकर आओगे, तो सीधे सीधे तो लेकर आते नहीं हो। मान लो शादी चल रही है घर में, तो आप कहोगे मेरे मौजे नहीं मिल रहे हैं, है ना? तो उल्टी सीधी बातें करते हो ना आप, तो कभी भी पूछ लो, जैसे क्लास चली सुलॉग्स की, मैं तो पहली बार आया हूं, मैं क्या करूं? अच्छा मेरा तो RRB है ही नहीं, मैं क्या करूं? मतलब बात कहां चल रही होगी, आप कहां ले जाओगे, यही प्रॉब्लम है वो। सही है, समझ रहे हो? ये सम नॉट वही है कि आदमी अच्छा चल रहा है, आप आगे, नहीं नहीं मेरा देख लो जरा हिसाब किताब, मैंने भी, मेरे भी 5 रुपए कहीं गिर खो गए हैं। आपकी मम्मी ने कहा मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है, आपने कहा मेरे भी 2 का नोट गिरा था मम्मी, वो भी ढूंढ देना, है ना? मम्मी ने कहा वो तो बंद हो गया, तो आपने कहा नहीं नहीं एक बार सपने में गिरा था, ठीक है? कुछ भी कह सकते हो आप तो। फिर मम्मी हकीकत में चप्पल मजाएं तो बुरा मन मत माने। चले आगे और दें। हाँ देखो आगे, रेनो आगे, ब्लड रिलेशन भी इसी तरह क्लियर करा दो। आया ना, यही आया, सब नॉट आ गया। ब्लड रिलेशन भी ऐसी क्लियर करा दो, आ गया सब नॉट।
कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है। तो देखिए ऐसे क्लास चल रही थी, नो पी इज क्यू, ठीक है, और सम डब्ल्यू आर पी आ गया, वो दोनों लड़ रहे हैं, ये आ गया, कह रहा चिंता मत करो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सही, दो लोग लड़ रहे थे बकायदा इज्जत के साथ। ध्यान से देखना, समझना क्या है सीन, इनडायरेक्टली पूछते ना क्वेश्चन, आपको लगता है सही पूछ रहे हैं। पी से क्यू कर लोगे, क्यू से पी कर लोगे, सही है, डब्ल्यू से पी कर लोगे, पी से डब्ल्यू कर लोगे, ये भी ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, बात मैं कर रहा हूं, लड़ाई किस किस की चल रही थी, दो लोगों का नाम बताना, किन किन की लड़ाई चल रही थी। आपने कहा सर पी और क्यू, तो इनका तो बता ही दोगे ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो हम कर ही रहे थे, नो पी इज क्यू, नो क्यू इज पी, ये तो कर ही रहे थे। ये आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जब जब ये डब्ल्यू पी के साथ है, किससे लड़ाई करनी पड़ेगी, जबरदस्ती। क्या समझ में आया, जबरदस्ती घुस गया ये, कह रहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो भाई जबरदस्ती घुस रहा है। पर क्या क्यू ने डब्ल्यू से कहा था कि भाई साहब तुमसे भी लड़ूंगा मैं, कहा है नहीं, क्यू ने डब्ल्यू के बारे में नहीं, ऑल नहीं, सम नॉट सम नहीं, तो क्यू से लड़ाई हुई है पी की, क्यू से पूछा गया कि तुम डब्ल्यू से भी लड़ रहे हो, कह रहा नहीं मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यू से डब्ल्यू कुछ नहीं मालूम, जबरदस्ती कौन घुसा, ये आप कैसे घुसे देख लो, नजर आ रहा है, आप जबरदस्ती तो घुस रहे हो, दो लोग लड़ाई कर रहे थे, आप आ गए, कह रहे नहीं नहीं चिंता मत करो मैं भी लड़ूंगा, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारी आदत है जबरदस्ती घुसने की, आप घुस गए कि मैं भी लड़ूंगा, तो लड़ो भाई। तो सम डब्ल्यू आर नॉट क्यू, ठीक है, पर क्यू से डब्ल्यू कुछ नहीं मालूम, क्लियर है, कनेक्ट हो रहा है, सम डब्ल्यू आर नॉट क्यू, एक बार रिपीट करो दीक्षा। चल ठीक, नो रिया इज स्नेहा, इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, ये सैंडल उठा के मार रही थी, ये चप्पल मार रही थी, इसने इसके बाल नोचे, इसने इसके नोचे, अब दीक्षा आ गई, कह रही चिंता मत करो मैं भी आ गई हूं, अब आ गई हूं तो भुगतो, तो किसने लड़ाई करी, जबरदस्ती की तुमने, किससे, स्नेहा से, क्लियर है, कैसे पता चला, देखो तुम ही तो आई यूनिवर्सिटी आया, लेकिन स्नेहा से पूछो कि क्या दीक्षा से लड़ाई है, तो कि नहीं, मेरी लड़ाई तो प्रिया से चल रही थी, पता नहीं कहां, रिया से चल रही थी, पता नहीं कहां से आ गई, आया क्लियर है भाई। ठीक है, आपकी ई बुक कब आएगी, सम नॉट, हाँ चले भाई, अरे भैया भगवान भगवान ना बनाओ, इंसान ही रख लो, इंसान ही ठीक है, इंसान तक ही ठीक है, चले आगे, इतना ही पढ़कर आना है बढ़िया से, ठीक है, चल अब आपको सुन लो, घर पे जाके देखो, वो भी आप ही हैं जो अगली क्लास में आने के बाद भी ना नो ए इज बी में भी गलती कर रहे होंगे, ये भी आप ही होंगे, और ये भी आप ही होंगे जो सब कुछ सही कर रहे होंगे, आपको कौन सा बनना है ये आप तय करेंगे, कोई और नहीं, उन लोगों की बातों पर 0.001% भी ध्यान मत देना। कल एक मिला था ना, मेरे को याद आ रही वर्डिंग, कि पहला दिन तो मेरा भी सही गया था, अब आपसे जानना चाहता हूं दूसरा दिन कितने लोगों का सही गया, क्योंकि नेगेटिव वाला तो नेगेटिव ही बोलेगा, उसका क्या है, बोल कहाँ गया यार, ठीक है, ये 10 तब भी बच रहे थे, आज भी बच रहे हैं और आगे भी बचे रहेंगे।
ठीक है दोस्तों, तीसरे दिन भी ऐसे ही जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, आप इतना ही पढ़कर आ जाओ बस। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा पढ़ाते हो सर, शुक्रिया, वरना मैं मान ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, चलिए थैंक यू।